हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम आपको बूम प्रेशर के बारे में बताएंगे जिससे हम कंक्रीट कर सकते हैं। पीछे हमारा मिरर लगा हुआ है जो हमारा हॉपर में कंक्रीट डालता है बूम प्रेशर के, और उस हॉपर से हम ऑपरेट करके कंक्रीट जो है हम जहाँ भी हमको करना है वहाँ पर हम कंक्रीट पहुँचा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारा किनारे लगा हुआ है बूम प्रेशर के, वो हॉस्ट पाइप कहते हैं उसको। उसको हम कई इजिली मूव कर सकते हैं पकड़ के, तो जहाँ भी हमको कंक्रीट चाहिए होता है वहाँ आराम से इजीली मूव कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा भी हमको देख रहे हैं लेबर जहाँ भी कहता है गिराने के लिए, वहाँ हम आराम से ऑपरेट करके मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा 300 का वाल है, इसमें हम इजीली कंक्रीट करने के लिए हमको ये बूम प्रेशर यूज होता है, जिससे हमको टाइम भी कंज्यूम होता है, टाइम हमारा बहुत बच जाता है इससे। अगर हम कंक्रीट पंप से कर रहे हैं तो उसको बार बार पंप को खोलना, फिर इधर मूव करना, उधर मूव करना, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको को हम टाइम नहीं लगता है, हमको कोई भी पंप नहीं खोलना है, सीधे सीधे सिर्फ मूव करके ऑपरेट करके मूव कर देना है। इस पीछे देख रहे हैं आप, जैसे जैसे कंक्रीट हो जा रहा है वैसे वैसे हम वाइब्रेटर मारते जाते हैं। इस वाइब्रेटर में जो निडिल लगा हुआ है वो 40 का है, तो जिसे हम वाइब्रेटर इसलिए मारते हैं ताकि हमारा जो भी उसमें एयर वर्ड्स रहे वो ना रहे और हनी कम ना आए। तो हनी कम ना आए तो इसलिए हम वाइब्रेटर मारते हैं। इसमें हम 40 का निडिल यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा शटरिंग फेस है जो 2.4 मीटर इसकी हाइट है। इसको हम अलग से आपको बताएंगे वीडियो में। जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट हॉपर से हॉस्ट पाइप से निकलता हुआ, और ये हमारा ऑपरेटर जो है वो आपसे ऑपरेट कर रहा है। जैसे जैसे हमको जिस प्रेशर में चाहिए कंक्रीट उस प्रेशर में देता है, और इसलिए हमारा कंक्रीट जो है वो मूव होता जा रहा है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे का स्लंप थोड़ा ज्यादा रखते हैं ताकि हमारा कंक्रीट इजिली मूव हो सके। तो ये है हमारा हॉस्ट पाइप, जिसकी बहुत ही खूबियां हैं, ज्यादा कंक्रीट पंप से ज्यादा इसमें एडवांटेज होता है। तो इसलिए हम इसको जहां भी हाइट पे भी वॉल अगर कर रहे हैं तो बहुत ही इजिली हम कर सकते हैं किसी भी हाइट पे जाके। इससे नीचे भी जो भी हुआ हमारा, वो हमारा जो कंक्रीट पंप से ही हुआ था, क्योंकि बूम प्रेशर उस वक्त था नहीं इसका ऑपरेटर, तो उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 20 MQ इसमें लग रहा है। 20 MQ में हमको कम से कम उसमें लग जाता था कम से कम 5 से 6 घंटा अगर हम कंक्रीट पंप से कर रहे हैं, क्योंकि हम रेडियस में है, रेडियस में हमको बार बार मूव करना पड़ता था पंप को खोल खोल के पाइप को। तो अगर यहाँ पे हम 20 MQ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा, अगर मिलर टाइम पे आता है तो मैक्सिमम लगता है 2 घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा 20 MQ में। तो ये हम जिसे देख रहे हैं, हमको कहीं भी मूव करना है इजिली, हम वहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन कंक्रीट पंप में क्या था, हमको बार बार पाइप खोलना पड़ेगा, इस साइड करना है तो इधर मूव करना पड़ेगा, उस साइड करना है तो फिर खोल के उधर लगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसमें हमको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है बूम प्रेशर से, हम इजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो बूम प्रेशर है जिसे हम इजिली कंक्रीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये हमारा जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे वाइब्रेटर कर मारते जाएंगे, वाइब्रेट करने से हमारा थोड़ा भी हनी कम इसमें नहीं आएगा। तो ये देखिए, जैसे जैसे हमारा कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे हम इसमें शीयर की लगाते जा रहे हैं। इसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं, तो क्योंकि हम जब भी इसके ऊपर भी और वॉल बची है हमारी 300 की, तो उसको करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं जिससे हमारा